नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो है फिल्म चांदू चैंपियन के बारे में। नाम का भी अलग है, चांदू चैंपियन। दरअसल ये एक शायद बायोपिक टाइप की मूवी है ये, और ये किसकी बायोपिक है ये तो मेरे को अभी पूरा अच्छी तरह से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्पोर्ट्स बायोपिक मूवी है जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और दोस्तों इसमें कार्तिक आर्यन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे उनको एक आर्मी ऑफिसर का रोल भी, एक ये मान लीजिए कि एक सोल्जर का रोल भी प्ले करना है, और साथ में एक स्पोर्ट्स पर्सन का रोल भी प्ले करना है, तो काफ़ी बड़ा उनके लिए एक स्कोप है। और इसमें जो उनके जो एक्शन सिक्वेंसेज है बहुत ही मतलब रियल तरीके से फिल्माए गए हैं। कबीर खान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। और दोस्तों साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा बजट में ये फिल्म बनाई जा रही है। और श्रद्धा कपूर उनके साथ प्रमुख भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग बहुत तेजी से चल रही है, कई रियल लोकेशंस पे फिल्म की शूट हुई है, और जो फाइट सीन है, जो इंडिया पाकिस्तान का वार है, उसका भी कुछ थोड़ा आपको देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, क्योंकि एक सोल्जर की भूमिका में कार्तिक आर्यन है, और उन्होंने रियल मशीन गन से भी यहाँ पे गोलियां चलाई है, ऐसी खबरें भी आई है। तो काफ़ी बड़ी है फिल्म कार्तिक आर्यन के लिए होने वाली है, और कई लंबे एक्शन सीक्वेंस शूट किए उन्होंने, लगभग 15-20 मिनट के लंबे जो एक्शन सीक्वेंसेज है वो लगातार उन्होंने शूट किए हैं, कई मतलब तस्वीरें वायरल हुई है। इसके अलावा उसके बाद में जब वो आर्मी से निकल जाते हैं, आर्मी छोड़ देते हैं या आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद में किस प्रकार से वो स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं और स्पोर्ट्स में भी अपना नाम करते हैं, इसलिए चांदू चैंपियन है, मतलब ना केवल वार में चैंपियन है बल्कि स्पोर्ट्स में भी चैंपियन है। तो ये काफ़ी अलग तरह की फिल्म होने वाली है। तो 26 जनवरी के मौके पर कार्तिक आर्यन ने एक लुक शेयर किया है, और इसमें वो एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं, एक सोल्जर के रोल में नजर आ रहे हैं, कैप लगाए हुए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन उनका लुक नज़र आ रहा है। और उन्होंने जय हिंद वंदे मातरम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी सभी देशवासियों को दी है। आपको भी बता दूं दोस्तों, ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली है, 14 जून 2024 को इसी वर्ष रिलीज होने वाली है। और ये कंगना रनावत की एक और जबरदस्त फिल्म आ रही है 14 जून को ही, इमरजेंसी, उससे टकराएगी ये फिल्म। तो इमरजेंसी वर्सेज चांदू चैंपियन का क्लैश हमें 14 जून को देखने को मिलने वाला है। इमरजेंसी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। कंगना रनावत ने अभी इसका एक रिलीज डेट अनाउंस का एक छोटा सा टीजर जारी किया था, तो बहुत ही बेहतरीन श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही है उनका रोल प्ले कर रही है, तो ये भी काफ़ी जबरदस्त फिल्म होने वाली है। तो इमरजेंसी वर्सेज चांदू चैंपियन देखते हैं कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।